बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोबीन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। लेट अस डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। वी ऑलरेडी हैव रेड एनिमल टिश्यूज टाइप। एनिमल टिश्यू टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। आज का हमारा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यूज़ का है। अगर आपने पिछले तीन टिश्यूज़ नहीं पढ़े तो आप मेरी वीडियोस में जाकर तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो नेम से इंडिकेट कर रहा है कि कनेक्टिंग का जो है फंक्शन करेगा, कनेक्टिंग फंक्शन फॉर बाइंडिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, नाम से इंडिकेट कर रहा है कि कनेक्शन होगा किसी दो चीज़ों के दरमियान या दो चलें। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फोर टाइप्स हैं, बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू। बोन के बारे में पढ़ते हैं। बोन की नेचर, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्चुअली मैंने उसको टेबल फॉर्म में ही लिख दी है। नेचर बोन जो है वो हार्डेस्ट नेचर की है, यानी सबसे सख्त पार्ट है हमारा, तभी तो वो हमारा स्केलेटन कंपोज कर रही है। और इसमें डिपॉजिट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। इसमें लोकेशन क्या है, एंडोस्केलेटन, हमारे अंदर का जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है वो इसे बोन से ही बना हुआ है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट मूवमेंट एंड फॉर्म ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यहाँ से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बोन मैरो में हमारे आरबीसीज़ वगैरह जो हैं वो बनते हैं, तो यहाँ पे बोन के फंक्शन में ब्लड सेल्स की भी कंपोजिशन आ गई है। ब्लड सेल सॉरी बोन सेल टाइप और उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट से आप करें डिसॉल्विंग सेल्स, बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर नाउन एज ऑस्टियोक्लास्ट एंड बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नाउन एज ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट मेच्योर बोन सेल्स को बोलते हैं। अगर किसी को इसको याद रखने में मुश्किल होती है तो आपने अगर फंजाई में की रिप्रोडक्शन पढ़ी है, उसमें जो स्पोरंजिया होते हैं, या हम सिंपल एग्जांपल देते हैं वॉलवॉक्स की या कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब जब फेवरेबल सीज़न आ जाता है तो वो बॉडी या वो जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाती है और सारे ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाते हैं, तो वो होता है ब्लास्ट, समझे। ठीक है, तो यहाँ पर भी है बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वो ब्लास्ट हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, और क्लास्ट जो हैं वो डिसॉल्विंग सेल्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बोन की टाइप आ जाती है, यहाँ पर दो तरह की बोन्स होती हैं, कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन नेम से इंडिकेट कर रही है कि वो पोरस होगी, स्पॉन्ज टाइप लाइट होगी। ठीक है, तो नेचर आ जाती है कंपैक्ट बोन जो है वो डेंस और स्ट्रॉन्गर है, और जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो लाइट एंड पोरस है। इसमें ब्लड सप्लाई कंपैक्ट बोन को कम होती है और स्पॉन्जी बोन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। जो कंपैक्ट बोन है वो मसल अटैचमेंट के जगह पर होती है, और जो स्पॉन्जी बोन है वो बोन मैरो में होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाती है कंपैक्ट बोन की हमारे पास, आउटर पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स, और जो स्पॉन्जी है वो इनर पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स। देखें, आउटर पोर्शन जो है वो हमारे स्केलेटन की जो है हार्ड ही होगा, आउटर पोर्शन। इंटरनली चाहे बोन में ब्लड सप्लाई हो रहा हो, सेल्स अलाइव हो, ब्लड वहीं सप्लाई होगा जहाँ सेल्स अलाइव होंगे, जहाँ फंक्शन अभी इंटरनली चल रहा होगा। लेकिन अगर सेल्स डाई ऑफ हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई कट जाता है, तो वो चीज़ हार्ड हो जाती है, आउटर पोर्शन हमारा फिर हार्ड हो जाता है, तो वो